मोदी जी ने एक नया विचार रखा है, वन नेशन वन इलेक्शन। चंद्रशेखर राव जी ने भी कुछ समय पहले शुरू में विचार का समर्थन किया था कि देश में कम से कम विधानसभा और लोकसभाओं के चुनाव एक साथ होने चाहिए। परंतु मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए ऐसी मांग करने वाली पार्टी अचानक ही अपना स्टैंड बदलकर एक छोटे से राज्य को दो चुनावों के खर्चे सहन करने पर विवश किया है। जब 9 महीने बाद शेड्यूल इलेक्शन थे, 9 महीने बाद यहां विधानसभा लोकसभा के चुनाव साथ में हो सकते थे, तो मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूं सत्तारूढ़ पार्टी को और यहां के मुख्यमंत्री जी को कि आपने तेलंगाना की जनता पर इतना खर्चा अलग से क्यों थोपा है, क्या कारण है 9 महीने चुनाव पहले करने का। और भारतीय जनता पार्टी मानती है कि सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए करोड़ों रुपयों का खर्च तेलंगाना की जनता पर थोपने का काम टीआरएस ने किया है, श्रीमान चंद्रशेखर राव जी ने किया है। और जब ये चुनाव उन्होंने थोप ही दिए, तो मैं घोषणा करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हर सीट को मजबूती के साथ हमारे साथियों के साथ लड़ेंगे। और हम एक तेलंगाना में मजबूत और निर्णायक शक्ति बनकर उभरेंगे। विगत 4.5 साल के अंदर 2014 से लेकर 2018 की यहां तक की यात्रा में हमने तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत किया है, हमारा जनसंपर्क बढ़ाया है, हमारा जनाधार बढ़ाया है। और जिस प्रकार से सरकार 4.5 साल चली है, मुझे लगता है इसको फिर से जनादेश मिलने की संभावना जरा भी नहीं है। तेलंगाना के अंदर तेलुगु अस्मिता और तेलुगु गौरव की बात करने वाले लोगों ने 17 सितंबर हैदराबाद विमोचन दिन का उत्सव बंद कर दिया। क्या हम पूछ सकते हैं क्यों बंद किए? सिर्फ और सिर्फ एमआईएम के दबाव में, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण और ओबीसी के कहने पर यह उत्सव बंद किया गया। और तेलुगु अस्मिता पर इससे बड़ा कोई आघात हो नहीं सकता। आज भी क्या हम तेलंगाना को आज के रजाकारों के हाथ में सौंपना चाहते हैं? ये तेलंगाना की जनता ने तय करना है। गैर संवैधानिक रूप से 12% माइनॉरिटी आरक्षण का प्रस्ताव करकर भारत सरकार को भेजना, ये अपीसमेंट की पॉलिटिक्स नहीं है क्या? जबकि हमारा संविधान धर्म आधारित आरक्षण को, रिलीजियस आरक्षण को कहीं मान्यता नहीं देता है। उनको भी मालूम है ये आरक्षण हो नहीं सकता, उनको भी मालूम है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, धर्म आधारित आरक्षण को मान्यता नहीं देगी। सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने ये आरक्षण का प्रस्ताव बनाकर भेजा है। मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में अगर फिर से यही सरकार आती है तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स आगे बढ़ेगी। यहां पर कांग्रेस पार्टी, कुछ कम्युनिस्ट पार्टी और बाकी लोगों ने भी मिलकर एक गठबंधन बनाया है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी कैसे
तेलुगु जनता के वोट पर अपना अधिकार जताती है मैं समझ नहीं सकता। आज भी 1983 में मुख्यमंत्री अंजैया जी के साथ हुआ दुर्व्यवहार तेलुगु जनता को याद है। आज भी नरसिम्हा राव जी के साथ हुआ दुर्व्यवहार तेलुगु जनता को याद है। और अभी जब अटल जी का निधन हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी सरकार ने और देश की जनता ने जिस प्रकार से उनको सम्मान दिया, उससे नरसिम्हा राव की याद और ताजा हो गई है कि किस प्रकार से नरसिम्हा राव जी को उनके मृत्यु के बाद भी सम्मान देने में कांग्रेस ने उनको अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अटल जी के समय में भी 3 राज्य बने, छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना, उत्तराखंड बना, कहीं रक्तपात नहीं हुआ, कहीं 2 राज्यों के बीच में वैमनस्य नहीं हुआ। हमने तरीके से 3 राज्यों का विभाजन किया। उस वक्त भी अलग अलग सरकारें थी, ऐसा नहीं थी कि सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, परंतु 3 राज्यों के विभाजन के बाद आज उनका मूल राज्य और नए बने राज्य के बीच के रिश्ते भी अच्छे हैं, कोई वैमनस्य भी नहीं है और 3 राज्य प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़े हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका है। परिवारवाद, भारतीय जनता पार्टी राजनीति में परिवारवाद की धूर विरोध करने वाली पार्टी। हम मानते हैं कि लोकतंत्र की मूल कल्पना पर परिवारवाद आघात करता है। लोकतंत्र की मूल कल्पना को परिवारवाद निर्बल करता है और यहां पर सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए ये इलेक्शन, ये चुनाव जल्दी 9 महीने जल्दी जनता पर थोपा गया है। मैं मानता हूं कि तेलंगाना की जनता इसको अच्छे तरीके से जानती है। मुझे ठीक याद है 2014 में टीआरएस पार्टी ने एक दलित मुख्यमंत्री का वादा किया था, शायद वो भूल गए हो, मगर तेलंगाना के दलित नहीं भूले हैं। चलो गलती हो गई, देर हो गई, 2018 में क्या दलित मुख्यमंत्री देंगे? 14 में नहीं दिया आपने, आपका वादा तोड़ा, 18 में क्या देंगे आप? इस चीज की स्पष्टता करनी चाहिए। अंधश्रद्धा के कारण 4.5 साल तक सचिवालय में न जाना 21वीं सदी के तेलंगाना को मैं नहीं मानता, आगे बढ़ाने का प्रयास इससे हो सकता है। तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को आप सुन रहे थे। देखा आपने किस तरीके से चाहे टीआरएस हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों को निशाने पर लेते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।